आप सब लोगों का कद्दू की चौपाल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुझे मध्य प्रदेश की गौरव नगरी ग्वालियर में पहुंचने का मजा आ रहा है। मुझे पुराने थिएटर के लिए याद आ और नौजवानों की टीम के साथ जुड़कर मैं खुद युवा सा महसूस कर रहा हूँ। और आप सबके लिए, दद्दू की चौपाल के दर्शकों के लिए, लीलाधर जगूड़ी की एक विख्यात कविता का नाट्य मंचन प्रस्तुत करेंगे हमारे ग्वालियर के रंगकर्मी। तो लीजिए गौर साहब, प्रारंभ कीजिए। प्रस्तुत है कविता बसे खटिक। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अब जरा मयसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले कहीं और उम्र भर की। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितनी मुनासिब है इस सफर की। बलदेव कवि लीलाधर जगूड़ी, निर्देशक जितेंद्र गौर। रात चिथड़ा खाती गाय के जबड़े में धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह उसका अंतिम छोर था। जिस पर ये बटन चमक रहा था, तभी हमारे गांव के आकाश में अचानक लोगों ने सड़क से गांव की ओर रोशनी फेंकती। ये पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन ये इतना पहना उजाला नहीं था कि अंधेरे के भीतर चुप के अंधेरे में कुछ आंखें, कुछ हाथ, कुछ पांव चमक उठे। वे भड़बड़ाकर उतरे और रंकू के घर की ओर दौड़े। उनकी दुरुस्त और निर्विघ्न दौड़ बताती थी कि हमारे गांव की चाल खराब हो गई है। उनकी पोशाकें हमारे गांव के कुत्तों तक के लिए अजनबी थी। जिसने चिथड़े ना पहने हुए हो, हमारे गांव के कुत्ते उसे फाड़ डालेंगे। वे गांव की गरीब जनता के कुत्ते हैं, सर्द और अजनबी पोशाकों के दुश्मन। लेकिन चार जोड़ी पुलिस के बूटों में उन्हें बैल के चमड़े की गंध नहीं आ रही। उनके पुलिस पैर एक लाइन में जैसे जलोद छल रहे थे, क्योंकि ऐसे मौकों पर जो जिसके पास है उसका उपयोग जरूरी हो जाता है। ये कुत्ते भौंक रहे थे। जो रंजू कल राशन लूटने में शरीक था, उनके पास उसके नाम का वारंट था। उसके परिवार ने रात भर पेट खाना खाया है, भूख भर अन्न के नशे में अपने देश का एक मामूली घर भी आरामगाह बना हुआ है। वैसे उसे घर कहना भी खामोखा, जिन्हें घर कहते हैं, उसकी बढ़िया छतों पर घास उगा देना है। करीब करीब अपनी इच्छाओं की मुट्ठी खोलकर इस समय तक
पे सोए हुए अपनी लात में ताकत पैदा करके उन्होंने उसे भूख से उठाया और तुरंत उसके हाथ बांध दिए। वे हाथ जो बड़ी बड़ी इमारतों पर पलस्तर की तरह चुपके हुए थे, फिर थोड़ा सा बचे हुए अनाज के साथ वो उसे शहर ले गए, जहां आम आदमी के लिए जेल और पोस्टमार्टम की पूरी व्यवस्था है। पुलिस वालों पर आदमियों की आंखें थी, इसलिए रंतु की नंगी औरत बाहर नहीं आ सकती, लेकिन भीतर बच्चे पहनावे की तरह उसके शरीर से चुपके हुए थे। यह सुबह थी, गाड़ी के इंजन पर थरथराती हुई अंधेरे के भीतर चुपके हुए अंधेरे में बीवी बच्चों के लिए लड़ता हुआ रंतु पहली बार गाड़ी पर फ्री चढ़ रहा था। ये एक ऐसा वक्त था जब वनस्पति केवल जी के डब्बे का मतलब था और कहीं भी कोई शब्द अपनी क्रीज पे नहीं था। शब्द जो कि शब्द जो कि रोटी और साग है, शब्द जो कि दाल और भात है, शब्द जो कि रोटी और साग है, दाल और भात है, रोटी और साग है, दाल और भात है, रोटी और साग है, रोटी और साग है। नहीं नहीं, शब्द इतनी बड़ी चीज नहीं है, शब्द तो केवल रोटी पर रखे हुए नमक के कण है, शब्द जो लार बनाते हैं। इस समय कहां से लाए जाएं ऐसे शब्द जो हलम नामा बन सके, जो तरफ गाड़ी कर सके। पुलिस की गाड़ी में उसकी शब्दहीन आत्मा एक नंगे पेड़ की तरह, जिस पर थाने पहुंचने से पहले कई हजार घमोरियां टूट पड़ेंगी, कई हजार घमोरियों में बंद पड़े पत्ते निशान की तरह उसके शरीर पर उभर आए। आशा अचानक सारे शरीर में फल पड़ेगी और कई हजार घमोरियों में कई हजार जीवों से बोलता हुआ वो बरी हो जाएगा। अपनी जड़ों के सहारे अपनी मिट्टी में उतरा हुआ रंतु ना पेड़ है, ना पत्ता है, ना हवा है, अंधेरे के भीतर दुबका अंधेरे का कीड़ा भी नहीं, शब्द भी नहीं, रंतु एक अकेले आदमी का दर्द है और अकेला आदमी अपराधी होता है। सवालों के शक्ति से घिरा हुआ अकेला आदमी एक दुर्घटना होता है, एक दुर्घटना होता है। थाने पहुंचते ही गाड़ी से उतरते हुए रंतु ने थोड़ी देर के लिए खुद को बड़ा आदमी महसूस किया और वह सिपाहियों की ही तरह कूदता हुआ जमीन पर खड़ा हो गया। तभी एक सिपाही को जो रास्ते भर बीड़ी पीता रहा उसके घर से आया हुआ तार दिया गया। तार पर उसकी मां बीमार थी, लेकिन शाम तक उसे छुट्टी नहीं मिली। पक्का जेल ऑर्डर बनवाने तक वो रंतु को रस्सा पकड़े हुए
एक कमरे से दूसरे कमरे तक, एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाता रहा। जिस समय झंडा उतरने का गजर बज रहा था, उस समय रंकू को कंबल, कोठरी और नंबर मिल रहा था, लेकिन सिपाही की मां जेब में मुड़े हुए तार पर छटपटा रही। जब तीसरे दिन छुट्टी पर वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां सुई की नोक पर अभी झड़ पड़ने वाली पानी की बूंद की तरह उसका इंतजार कर रही थी। वो भागा भागा जिला अस्पताल गया, एम्बुलेंस मांगी। भाल के पौधों के बीच जो खराब पड़ी थी, धतूरा जिसके इंजन से भी बड़ा हो गया था, कई पुरानी लाशों को लांघते हुए उसने चारों ओर अपना दिमाग दौड़ाया और जब बड़ी मुश्किल से एक विचार उसकी पकड़ में आया तो वह लपक कर पास ही थाने में गया, क्योंकि आजकल केवल आदमी होना न्याय संगत नहीं है। इसलिए उसने बताया कि मैं भी पुलिस विभाग का आदमी हूं, मां को अस्पताल लाने के लिए थोड़ा पुलिस गाड़ी दे दीजिए। उन्होंने कहा, पुलिस की गाड़ी तो अपराधियों को पकड़ने के लिए है, जब शाम को एक दवा की शीशी और कुछ गोलियां लेकर वो अपने घर आया तो उसने अपनी मां को मरा हुआ पाया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, राम सत्य। संसार से परानी किस अपराध से बचाती है? अभावों की साझा कहानी में क्या इसी तरह होती है मुक्ति? क्या इसी तरह होती है मुक्ति? क्या इसी तरह होती है मुक्ति? आखिर बढ़ाई हुई छुट्टियों में जब उसने अपनी मां को स्वर्ग पहुंचा दिया तब वह फिर थाना बिजनौर में लौट आया। वह विरक्त होना चाहता था लेकिन अपना भविष्य उसे भीतर ही भीतर ठग रहा था। कर्मकांड की सारी कमजोरियों को ढकता हुआ उसका तस्वीर किसी फिल्मी गुंडे का सिर लग रहा था। अजीब फिल्म वालों को जब हथियारे और गुंडे दिखाने होते हैं तो ये आम आदमी पर अपनी जगह भी कम कर देते हैं। बात दूसरी ओर चली जाएगी है। किस बात को? कान और जुबान की तलाश है, इसलिए मैं आपको फिर से थाना बिजनौर ले चलते हैं। उसकी छाती पर गोलियों का एक पट्टा है, उसके हाथ में एक बंदूक है। उसे नहीं मालूम कि वह किसकी रक्षा कर रहा है।
मेरी समझ से वो केवल टहल रहा है। क्या वो संसार को अपराध से रक्षा कर रहा है? क्या वे इस देश को बिगड़ने से बचा रहा है? भीतर अपने लंबे लेकिन वरिष्ठ दांतों को लेकर दीवान बैठा, रोज नाम से तो हाथ रखे हुए जैसे वह शहर की पीठ हो। तभी एक मार खाया हुआ आदमी चीचियाता हुआ आता। हुजूर, हुजूर, मेरा मेरा बटुआ छिन गया हुजूर, मेरा बटुआ छिन गया हुजूर। उसमें 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 मेरी बेटी का फोटो भी था। वे लोग उससे उससे बलात्कार करेंगे हुजूर, वे लोग उसे मार डालेंगे। देखिए मुझे कितनी चोटें आई है। मेरा दर्द दर्ज करो हुजूर, मेरा दर्द दर्ज करो। बता किस कलम से करूं? अबे चांदी की कलम से या सोने की कलम से या लकड़ी की कलम से? मार खाया हुआ आदमी दे रहा है। कानून की कलम से करो हुजूर, भाई बाप कानून की कलम से करो। कानून की कलम से करो या चलाना कर। और सुन, अपना गवाह भी साथ में लेके आना। हाँ, और सुन, किसी डॉक्टर से ये भी लिखवा के लाना कि तूने मार खाई है। बाहर संतरी ड्यूटी पे खड़ा बलदेव खटिक, जिसकी मां बिना दवाई के मर गई थी, जिसका सिर मुड़ा हुआ है, सब सुन रहा है। और थाने की बड़ी घड़ी सुधार कर घड़ी साज फाटक से बाहर जा रहा। अचानक सामने खड़े नीम के पेड़ पर उतरते शाम के अंगों से बलदेव खटी कहता है, थम। मगर वे नहीं रुके, वह खड़ा हड़प फायर करता है। बंदूक के बट को थार की दीवार पर मार के तोड़ देता है और नियम होकर सड़क पर मरे हुए बेटों को लांग कर के बगल में सिनेमा घर के भीतर पर्दे पर एक एक्टर प्यार कर रहा था। इस नौकरी की ऐसी की तैसी हार लग गई है नौकरी। मां 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 चिल्लाता हुआ आया और सीधा हमारे गांव में घुस गया। उसके सिर पर टोपी नहीं है। वहां हर एक औरत से पूछता है, तुमको तुमको क्या बीमारी है? अस्पताल तक पैदल जाओ, गाड़ी खराब है। बच्चों से कहता है, लाओ लाओ मेरी लकड़ी की कलम, मैं फैसला लिख दूं। किसी की बीमारी सुने बगैर, किसी के पास एक क्षण रुके बगैर, किसी को कोई फैसला दिए बगैर दौड़ता हुआ आया और टंकटू की झोपड़ी में बेहोश होकर गिर पड़ा। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, परंतु राशन वाले मामले में जेल चला गया था और उसकी औरत भी बच्चों समेत वहां नहीं थी।
मगर किसी ने भी उन्हें कहीं जाते नहीं देखा था। भीतर से नींद में मूंछ झुकाए हुए एक कुत्ता निकला और अगली गली में मुड़ गया। सुबह होने वाली है लेकिन रात अब भी मौजूद है। रात उस वक्त भी मौजूद रहेगी जब लोग दोपहर को ढलते हुए देख रहे होंगे। हर घर को अपने दर्द में लपेटती, दरवाजों की संधों को थोड़ा और चौड़ा करती हुई रात आने वाली है। चिड़ियों, कौओं और कुत्तों के सामूहिक शोर में पत्तियां थरथराने वाली है। तभी हमारे गांव के आकाश में अचानक लोगों ने एक दरार देखी, सड़क से रोशनी फेंकती, फिर यह पुलिस की गाड़ी थी। रात की तरह झरती सुबह में चमकती हुई कुत्तों की भौंक के बीच बीड़ी पीते हुए वे उतरे। संबंधों की वीरानगी में उनके साधारण चेहरों पर घरेलू थपेड़ों की गहरी शिनाख्त है। चट्टी फिरते बच्चे हैं, घोड़े हैं, चूल्हे पे चढ़ा खत बताता पानी है, भात के भपारे हैं। वे उतरे और रंगू की झोपड़ी से उस पागल सिपाही को बांध कर दे। पहले उन्होंने उसके सरकारी कपड़े उतारे क्योंकि सरकार पागल नहीं होगी, सरकार अपराधी नहीं होगी। यह अलग बात है कि हथकड़ी और सजा इन दोनों में से आम आदमी के लिए सरकार क्या होती है। उन्होंने भी उसे अटकड़ी पहना दी और उसे भी एक आम आदमी में तब्दील कर दिया। वह अपने ही गालों में चाटे मार रहा है। उसके पास ना कोई सहमति है ना कोई इनकार। धरती को पीटते हुए अपने ही पैर को फिर भी उसके पागल सिर पर बाल आधा आधा इंच बड़े हुए हैं। उसके लंबे नाखून संसार की धूल से गंदे हो रहे हैं। उसके हाथों में अब भी एक आम आदमी की ताकत मौजूद है लेकिन उसे अपने दुश्मन की सही पहचान नहीं है और उसने गोलियां सही जगह नहीं दागी है। अब वह कोठरी बंद है और उससे 42 नंबर जूनियर संतरी ड्यूटी पर तैनात। एक खंभे से दूसरे खंभे तक टहलता हुआ चेहरे से ज्यादा जिसके बूट में चमक है। अभी मुस्तैदी में उसका पूरा शरीर अनुशासन की रंग है। उसकी छाती पर भी गोलियों का एक पट्टा है। उसके सिर पर टोपी और हाथ में एक बंदूक है। मगर यह पहले वाले सिपाही से कहां पर अलग है। वह भी अपने देश को ना कहीं पर पाता है ना कहीं पर खोता है। उससे कहा गया है हरेक पे शक करो, विश्वास विश्वास केवल दीवान का करो, दरोगा का करो। उसका निजी कोई विश्वास नहीं। अब देखना यह है कि ये कब पागल होता है। एक अच्छा खासा
एक अच्छा खासा, एक अच्छा खासा, एक अच्छा खासा, एक अच्छा खासा काम करता हुआ आदमी, काम करता हुआ आदमी, काम करता हुआ आदमी, काम करता हुआ आदमी, काम करता हुआ आदमी पागल हो जाए, पागल हो जाए, पागल हो जाए। देश की राजनीति में इसके लिए कोई शब्द नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बलदेव हड्डी के खानदान में कोई पागल नहीं था, 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 कोई पागल नहीं था। अपनी परवाह करें, अपने बच्चों को जांच कराएं, जिंदा होने की नई जरूरत है कि देश में कुछ लोग पेट से पागल होकर आ रहे हैं, लेकिन वे जब पाए रहेंगे तो यह है कि इस बार कौवे नहीं मरेंगे, इस बार कौवे नहीं मरेंगे, इस बार कौवे नहीं मरेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक अच्छी कविता का अच्छा प्रेजेंटेशन। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही मार्मिक तरीके से पुस्तक की कविता। ये कविता मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन इस अंदाज में कविता को सोचा जा सकता है ये पहली बार देखा मैं, और ये अंत तक ये कविता चुप जाती। कवि जो कहना चाहता है उससे कहीं अधिक जाकर ये कविता कहती है। ये आप लोगों के मंचन की विशेष बात है, बधाई हो आप सबको। फिर मिलता आपका आशीर्वाद।